ये ठीक है। इसमें जब हमने फ्यूमिगेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हम हमेशा एक बंद कमरे में करते हैं, और जब हम छोटे अमाउंट में करते हैं तो एक इसमें फ्यूमिगेटर में करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि फ्यूमिगेशन में हम जहां पे भी करेंगे, जिस भी एरिया में करेंगे, वो हमेशा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। क्यों वेंटिलेटेड होना चाहिए? क्योंकि फ्यूमिगेशन में जो एक्ट करती है वो क्या करती है, फ्यूम्स एक्ट करती है। और वो फ्यूम्स ऐसे डिस्टिंग्विश तो करेगी नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग है या इंसेक्ट है, वो तो जिसके अंदर जाएगी वहां पे अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसीलिए हमें फ्यूमिगेशन हमेशा वेल वेंटिलेटेड रूम में करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम फ्यूमिगेशन करेंगे उस टाइम वो रूम पूरी तरह से प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, ताकि वो जो फ्यूमिगेशन फ्यूम्स है उस फ्यूमिगेंट की, वो बाहर ना जा पाए। ओके, क्लियर। हाँ, तो ये होता है हमारा फ्यूमिगेशन चैम्बर। जब हमने छोटे अमाउंट में सीड्स को फ्यूमिगेट करना होता है ना, तो हम इस फ्यूमिगेशन चैम्बर में करते हैं, ठीक है। ये होता है ऐसा अंदर से। इसकी आप लोगों ने एक एक इमेज भी बना देनी है अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में, ठीक है। अंडरस्टूड? तो इसमें देखो ये स्विच होता है यहाँ पे फ्यूमिगेटर का, इसे जब हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं तो इसमें जो फैन होता है वो रन करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको फ्यूमिगेशन के टाइम बताया था कि एक हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और वहां पे पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, तो जो टेम्परेचर का भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रॉपर जब हमने अंदर टेम्परेचर कर दिया तो जो हमारे फ्यूम्स होते हैं उसका जो एक्शन होता है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेटर होता है, जब इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे ये फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूमिगेशन कभी भी करनी होगी तो बिना ग्लव्स के हम कभी भी नहीं करते, हमेशा ग्लव्स पहनेंगे, प्रॉपर मास्क पहनेंगे। उसके बाद फ्यूमिगेशन की जो टेबलेट्स मिलती है हमें, वो हम यहाँ नीचे एक ऊपर और एक ऊपर रख देंगे, और इसमें आप देखोगे जो ट्रेस है उसमें परफोरेशंस होती है। ये देख रहे हैं आप, परफोरेशंस दिख रही है सबको? इन परफोरेशंस का क्या रोल होता है कि जब फ्यूम हम यहाँ पे नीचे टेबलेट रखेंगे तो जो फ्यूम्स होगी वो यहीं तक सिर्फ यहीं पे ना रह जाए, वो पूरे हमारे इसमें घूमे। और उसके बाद यहाँ पे हमने फैन रखा होता है ताकि वो फ्यूम्स दोबारा से घूम के पूरी जगह को डिस इन्फेक्ट कर दे। जैसे हमने अगर कोई सीड्स अंदर रखी हो, जो कि मतलब जैसे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, अब हमने सपोज करो कि हाई क्वालिटी की सीड्स मंगवाई है और उनमें गलती से इन्फेस्टेशन आ गई है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको मैनेज करने के लिए हमें उनकी फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी, ताकि अगर किसी सीड में किसी भी तरह की इन्फेस्टेशन है तो वो अंदर फ्यूमिगेशन के थ्रू कंट्रोल में आ जाए और वो आगे फील्ड में जाके ज्यादा इन्फेस्टेशन कॉज ना कर पाए। तो जब हम फ्यूमिगेशन की टेबलेट्स यहाँ पे रखेंगे, वो फ्यूम स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे घूमना, उसके बाद फैन से ये पूरी तरह से घूम जाएंगे नीचे को, और उसके बाद हम फ्यूमिगेंट को बंद कर देंगे। एक बार जब हमारा ये फ्यूमिगेंट बंद हो गया, उसके बाद हम जो हमारा इंक्यूबेशन टाइम होता है फ्यूमिगेशन का, 24 आवर्स होते हैं, कहीं पे 72 आवर्स होते हैं। मैक्सिमम जब हम स्टोर हाउसेज में फ्यूमिगेशन करते हैं तो 3 दिन तक उनकी फ्यूमिगेशन रखते हैं, और जब हम स्टोर्ड ग्रेन्स को फ्यूमिगेट करते हैं स्टोर हाउसेज में, तो उन्हें हमेशा प्लास्टिक शीट से कवर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक शीट होती है उसके अंदर ही हम एक बिल्कुल बेस पे रखते हैं फ्यूमिगेंट, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर डालते हैं टेबलेट, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्यूम्स होती है फ्यूमिगेंट की, वो पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह घूमती है, और अगर किसी भी तरह की स्टोरेज में इन्फेस्टेशन आई हो वो कंट्रोल हो जाती है। अब ये फ्यूमिगेंट को हमने पूरी तरह से प्रॉपर बंद कर दिया, उसके बाद हमने इसे फ्यूमिगेंट होने दिया। अब अंदर क्या होगा कि जब जो हमारा फ्यूमिगेंट होगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मैंने आपको बताया था या मिथाइल ब्रोमाइड मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके फ्यूम्स अंदर जनरेट हो जाएंगे, और वो फ्यूम्स क्या करेंगे, अपना मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब जब उनका मोड ऑफ एक्शन अंदर फ्यूमिगेटर में स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये जो हमारा टारगेट इंसेक्ट पेस्ट होगा उसमें मोर्टेलिटी कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये मोर्टेलिटी कॉज करेंगे तो क्या होगा कि अब आपको पता है वो पॉइजन पॉइजन होता है, अब अगर हम भी उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में चले गए तो वो हमें भी हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी हम इस फ्यूमिगेशन चैम्बर को खोलेंगे तो वो किस हिसाब से खोलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेल वेंटिलेटेड रूम है, यहाँ पे पूरी जगह आपको दिखेगा कि खिड़कियां हैं,
और दरवाजे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खिड़कियों को खोलेंगे। जब हमने खिड़कियां खोल दी तो क्या हुआ कि एयर अंदर आ गई। अब जब एयर अंदर आ गई उसके बाद क्या होगा कि अंदर एयर का फ्लो हो रहा है, तो जब हम फ्यूमिगेशन चैम्बर को खोलेंगे तो जो इससे फ्यूम्स निकलेगी वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी बल्कि बाहर चली जाएगी, और जो सेफ एयर होगी, एटमोस्फेरिक एयर होगी, वो अंदर आएगी और वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। अब जब हमने फ्यूमिगेशन चैम्बर को खोलना है तो हमेशा हमारे हाथों में ग्लव्स होने चाहिए और मुंह में मास्क होना चाहिए। अब और जब हमने इसको खोल दिया, थोड़ी देर हमने अपनी सांस रोक के रखनी है ताकि वो फ्यूम्स हमारे अंदर ना जाए। हमने खोल दिया अभी फ्यूमिगेशन चैम्बर, उसके बाद अब ये जो फ्यूम्स होगी, जब हमने इसमें फ्यूमिगेंट रखा होगा तो वो फ्यूम्स अब बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इस वेल वेंटिलेटेड रूम को हमने कम से कम 3 to 4 आवर्स के लिए ऐसे ही वेकेंट छोड़ देना है ताकि फ्यूम्स जो हमारे फ्यूमिगेशन चैम्बर से निकल रही है वो बाहर चले जाए और वो किसी को भी डैमेज कॉज ना कर पाए। अंडरस्टूड? ये होता है हमारा फ्यूमिगेशन चैम्बर। इसमें हमेशा लेयर्स में रखा होता है हमने, क्यों? क्योंकि जब एक लेयर से फ्यूम्स ऊपर जाएगी वो वहां पे एक्शन स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो दूसरे लेवल पे जाएगी, उसके बाद तीसरे लेवल पे जाएगी। और हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी फ्यूमिगेशन करनी हो वो क्लोज रूम में हो, लेकिन वेल वेंटिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि क्लोज रूम में फ्यूम्स वो अंदर ही घूमती रहेगी, लेकिन वेल वेंटिलेटेड इसलिए हो क्योंकि जब आप अंदर जाओगे तो उसकी फ्यूम्स आपके ऊपर एक्ट ना करें, इसके लिए वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। और हमेशा जहां पे भी आप फ्यूमिगेशन करते हो उसके बाहर आपने एक बोर्ड लगाना है कि अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर कुछ भी डेंजर हो सकता है अगर फ्यूम्स आपके अंदर ज्यादा अमाउंट में चल गई।